देखिए, मेरा तो मानना है कि हम एक्टर्स हैं, हम शो बिजनेस में हैं, सो जब तमाशा होता है तो अच्छी बात होती है, गुड गुड या बैड, बट आई थिंक एक हद होता है, आप हद को पार नहीं कर सकते. लेकिन ये एक आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि ये तमाशा बना. ये मेरी दूसरी फिल्म है इम्तियाज़ के साथ, दूसरी फिल्म है साजिद भाई के साथ, मेरी तीसरी फिल्म है दीपिका के साथ, और मेरी 11वीं फिल्म है सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद दिस टीम. आई थिंक एज एन एक्टर, रॉकस्टार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, यू नो, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ अवार्ड्स, लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, लॉट ऑफ लर्निंग. आई लर्नड अ लॉट वर्किंग विद दीपिका. यू नो, वी स्टार्टेड आवर सेकंड फिल्म टुगेदर, बजना है सीनो. फिर हमने जब जवानी दीवानी की थी, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी, एंड आई थिंक आई गॉट टू लर्न अ लॉट जस्ट टू सी हर ग्रोथ एज एन एक्टर, यू नो, क्योंकि मैं वो 5 साल के बीच में नेवर वर्क टुगेदर, लेकिन जब हमने वो फिल्म में काम किया तो जस्ट टू सी हर ग्रो एज एन एक्टर एंड टू दिस एक्सटेंट was really heartwarming and was really encouraging and really inspiring for me. Do we always have to like pick one over the other? No, I don't think so. First of all, it was in context to something completely else and something completely different. No, I think it depends on the kind of film. I think it depends on the way the characters are written. I think it depends on what a director can extract from the two actors that he's cast. Can I compare Ranbir and me in Tamasha or Ye Jawani to Ranveer and me in Ram Leela or Bajirao? No, I can't, because we're playing completely different characters. There is a certain kind of baggage or backstory or whatever's that required of each character, and you execute that. So I think it really depends on the film and on the characters and what the director can extract from the actors. क्या होता है ना कि अक्सर एक ही तरह की चीज़ें होती है ज़िंदगी में, फिर हम ब्लेम करते हैं कि हालात ऐसे थे, क्या करें, वी कुडंट, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, सच इज़ लाइफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड यू फॉल प्रे टू द सेम सिचुएशन दैट समबडी एल्स हैज़ बिफोर यू, एंड यू बिकम एन इंजीनियर एंड और अ डॉक्टर और एन एक्टर, बट यू नेवर बिकम हु यू आर रियली, एन इंडिविजुअल, जो आप दरअसल हो. तो वही कहानी फिर एक बार हो जाती है आपके साथ भी, अनलेस एंड अनटिल यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड यू चेंज दैट, से दैट मुझे नहीं मज़ा आ रहा, मैं इसको चेंज करूँगा, अपनी एंडिंग खुद बनाऊँगा, और फिर एक दूसरे तरह का तमाशा होता है.